हेलो एवरीवन, यूसी मास उत्तराखंड की तरफ से नेशनल लेवल कंपटीशन में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। फर्स्टली ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट। आज ये वीडियो इसलिए है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इस पोर्टल के थ्रू NLC की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, राइट? तो NLC प्रैक्टिस में कैसे हम लोग यूजर नेम का यूज करेंगे, कैसे पासवर्ड का यूज करेंगे, कैसे हम पासवर्ड्स को सेव करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्लीज़ इसको ध्यान से देखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं, राइट? चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग। फाइन, आई ओके। आपका डेस्कटॉप कुछ इस तरह से होगा। आप अपने डेस्कटॉप पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किए हैं व्हाट्सएप पर, तो आप देखेंगे कि उसमें NLC एग्जाम पोर्टल करके आया हुआ है। तो उसमें एक लिंक है और उस लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे। फर्स्टली लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही एक सरफेस खुल जाएगा, एक पोर्टल खुल जाएगा NLC एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को रजिस्टर्ड कराया है और बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस भी कराई है सेंटर्स पर, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है। वापस ये आपका स्क्रीन खुल जाएगा, देन हम लोग वापस जाएंगे व्हाट्सएप पर और नीचे जो ईमेल करके दिया है, तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया, केवल ये NLC 2005133, इनका सबका अलग अलग है, लेकिन ये NLC बस आपका जो यूजर नेम इतना है, वो email.com नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, तो कॉपी के लिए आप Ctrl+C प्रेस करेंगे। वापस आप तो अपने पोर्टल पर जाएंगे, NLC का जो एग्ज़ाम पोर्टल है, यहाँ पर आप एग्ज़ाम ID वापस आकर Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट करने के बाद में अब इनको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वापस हम लोग जाएंगे व्हाट्सएप पे एंड देखिए नीचे पासवर्ड भी दिया हुआ है, तो पासवर्ड में हम लोग ये हमने कॉपी किया है, राइट, Ctrl+C, देन वापस पोर्टल पर गए और हमने ये पासवर्ड के लिए Ctrl+V। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसको लॉगिन करेंगे, राइट? ये लॉगिन का साइन है, इस पर लॉगिन किया तो ये देखिए ये पूछ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूछ रहा है कि सेव पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं तो फ्यूचर में आपको कभी भी दोबारा से पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? तो हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में हम लोग लॉगिन कर देंगे। अब लॉगिन पर क्लिक किया, देन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम टेस्ट कैमरा और बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद ये आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और आई अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन मेंशन अबाउ स्टार्ट कैमरा, देन स्टार्ट कैमरा को हम लोग अलाउ कर देंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप कैमरे पर यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप टेस्ट इन्वायरमेंट कीजिए। टेस्ट इन्वायरमेंट के बाद आपको पता चलेगा कि आपका इन्वायरमेंट गुड है, तो लिखा गया यू आर इन अ गुड इन्वायरमेंट टू स्टार्ट द एग्जाम। देन वापस से ऊपर जाएंगे, प्रैक्टिस एग्जाम पर क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट एग्जाम नाउ, ओके, और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। ये आप देखेंगे कि 10 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। अब आपने यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, जो भी आपके आंसर्स आप करेंगे आंसर आते रहेंगे एंड एंटर प्रेस करते रहेंगे, राइट? तो जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप लास्ट तक पहुँच जाएंगे। लास्ट में आप पहुँच गए अपने आंसर करते हुए, देन आपने ये किया, फाइन। उसके बाद में जब आपके क्वेश्चंस या तो 10 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा या फिर आपका टाइम बचता है तो सबमिट एग्जाम कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ऑल आंसर्स? ओके, देन आपका ये पेपर सबमिट हो गया है, राइट? यहाँ पर आप वापस से देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 4th पर 10-15 मिनट के बाद जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने जो भी अभी एग्जाम दिया है, जो प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस में कितने सम आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हैं, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी, राइट? आई होप आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो एक बार आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देन प्रैक्टिस कीजिए। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, गुड लक।